विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश, मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में, तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हर हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 120 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को अनाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।